हो गई, 25 जोड़ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वॉल्यूम आ रही है ना? नंदनी, रोशनी, राहुल, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राहुल, वॉल्यूम आ रही है ना मेरी? यस मैम। ओके, यस मैम। वेरी गुड। चलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हमारे जो बुक है साइंस की, उसमें चैप्टर नंबर 10, दैट मींस रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, कि किशोर अवस्था तक पहुंचने के लिए हमारी बॉडी में क्या क्या चेंज होते हैं। और कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हमारी बॉडी के अंदर, या हम बात करें कि एक मानव में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, और हमें पता है कि 4 से 5 स्टेज होती है हमारी। एक होती है इन्फेंसी, जो होती है 0 से 2 इयर्स के बीच। ठीक है, इसके बाद चाइल्डहुड, बचपन, 3 इयर्स से लेके बात करें हम 12 इयर्स तक। इसके बाद मैं बात करती हूँ एडोलेसेंस, किशोर अवस्था की, 13 इयर्स से लेकर 18 इयर्स तक। समझ में आ रहा है? इसके बाद एडल्टहुड या ओल्ड एज की बात करूं तो 19 से लेके 14 तक। और फिर इसके बाद ओल्ड एज मतलब अपनी जो बुढ़ापा है वो है 40 से लेके, इससे 40 से अबाउट। दैट मीन्स मैं ये बोल रही हूँ कि हमारी जीवन में डिफरेंट फेज आती है, और डिफरेंट फेज के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में हमें डिफरेंट परिवर्तन देखने को मिलते हैं, वो हमने देख लिया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फेज कौन सी है? एडोलेसेंस यानी प्यूबर्टी फेज, यौवन अवस्था। इसी स्टेज के दौरान हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट परिवर्तन होते हैं। हाइट इंक्रीज होती है, इसके साथ ही वॉइस में चेंज आता है, हमारी आवाज में चेंज आता है। इसके अलावा सेक्स ऑर्गन विकसित होते हैं, दैट मींस मेंडल वॉइस। यस, बोलो। वॉल्यूम नहीं आ रही मैम, बिल्कुल भी नहीं आ रही। अटक अटक के आ रही। अच्छा, कट, वो नेटवर्क की वजह से भी आ जाएगी। तो मैं ये बोल रही हूँ आप लोगों को कि हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उसमें डिफरेंट परिवर्तन होते हैं। दैट मींस हम लोग मेंटली एंड फिजिकली क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। किस फेज में? प्यूबर्टी फेज में। अब तो आ रही है ना आवाज मोनिका? मैम आ रही है ना आवाज? मैम अटक अटक के आ रही है, वो नेटवर्क की वजह से आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्यूबर्टी क्या होती है। प्यूबर्टी की बात करते हैं तो प्यूबर्टी क्या होती है? इट इज ए पीरियड व्हेन ए सेक्स ऑर्गन डेवलप। कि इस फेज के दौरान हमारी जो बॉडी है, चाहे मेल की बॉडी हो चाहे से फीमेल की बॉडी हो, और ये कौन से फेज में आती है? 13 से लेके 19 इयर्स। ठीक है, इस फेज के दौरान मेल और फीमेल में सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। दैट मींस इस फेज के दौरान एक मानव, चाहे से लेडीज हो चाहे से जेंट्स हो, चाहे से मेल या फीमेल हो, दोनों के अंदर सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। तो मैं बात करती हूँ आप लोगों के पास, प्यूबर्टी फेज में एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो, मैं प्यूबर्टी की बात करूं इट इज ए पीरियड व्हेन सेक्स हार्मोन
आर प्रोड्यूस मैम यस मैम अच्छे से नहीं दिख रहा मिक्स हो रहा है सब कुछ क्या हुआ अच्छे से नहीं दिख रहा मिक्स हो रहा है वर्ड्स मिक्स हो रहे हैं यस मैम क्या नहीं दिख रहा हेलो स्टूडेंट्स क्या नहीं दिख रहा आप लोगों को मैम अच्छे से नहीं दिख रहा अरे थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है इस वजह से आप तो ध्यान लगाओ ओनली समझो ठीक है सुन लो मेरी बात कि प्यूबर्टी का मींस होता है यौवन अवस्था म्यूट करो तमन्ना और एक एक शब्द को सुनो आप लोग देखने की जरूरत ही नहीं है देखो प्यूबर्टी फेज का मींस तमन्ना म्यूट करो पहले प्यूबर्टी फेज का मींस होता है यौवन अवस्था और जो हमारी जो एज है आपकी जो एज है दैट मींस 13 ईयर से लेकर 18 ईयर्स की That means 13 से लेकर 18 years की एज में जो भी मेल एंड फीमेल मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि प्यूबर्टी का मीन्स होता है यौवन अवस्था और इस फेज के दौरान और ये फेज कौन सी ईयर्स में आती है 13 से लेकर 18 years के बीच ठीक है और इस फेज के दौरान मेल एंड फीमेल दैट मीन्स नर और मादा दोनों में सेक्स ऑर्गन विकसित होते हैं दैट मीन्स सेक्स ऑर्गन विकसित होंगे तो सेक्स ऑर्गन भी क्या होंगे डेवलप होंगे और सेक्स प्रोड्यूस होगा तो मैं बोल रही हूँ कि प्रोड्यूस बाय द बॉय एंड गर्ल कि इस फेज के दौरान बॉय और गर्ल लड़का और लड़की दोनों में सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं आपको कोई पूछे कि वो कौन सी फेज है हमारी स्टेज में वो कौन सी स्टेज है जिसमें लड़का और लड़की बॉय एंड गर्ल दोनों में सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं तो हम बोलेंगे प्यूबर्टी फेज और वो फेज आती है 13 से लेकर 18 की फेज में डेफिनेशन समझ में आ गई सबको प्यूबर्टी का मींस होता क्या है यस या नो यस मैम ओके मोनिका समझ में आ गया मोनिका कैन यू लिसन मी सुन रहे हो ना मेरे को राहुल नो मैम समझ में आ गया प्यूबर्टी का मींस होता क्या है ठीक है आगे चलते हैं हम लोग अब दैट मींस हम बोल सकते हैं कि इस फेज में दैट मींस 13 से लेकर 18 की इयर्स में 13 से लेकर 18 की इयर्स में बॉय एंड गर्ल दैट मींस मेल एंड फीमेल पूरी तरह से क्या हो जाते हैं सेक्स करने के लिए मैच्योर हो जाते हैं सेक्स मैच्योर हो जाते हैं यही तो बोल रही हूँ मैं आप लोगों को कि इस ईयर्स में ये दोनों क्या हो जाते हैं मैच्योर हो जाते हैं और आप लोगों को जब मैंने आपका जो चैप्टर नंबर 9 था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स उसमें मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि मेल के अंदर कौन से सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल में कौन सा सेक्स ऑर्गन होता है मेल में स्पर्म क्या हुआ राहुल वॉल्यूम नहीं आ रही आपकी स्टूडेंट थोड़ा जोर से बोलो अपने फोन की वॉल्यूम थोड़ी हाई करो
बताओ। हाँ अब बोलो कि मेल के अंदर कौन सा सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, स्पर्म या एग, दोनों में से बताओ। देखो ध्यान से सुनो कि मेल एंड फीमेल दोनों में सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, और मेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है स्पर्म। जो मेल होता है वो रिप्रोडक्शन के दौरान स्पर्म प्रोड्यूस करता है। दैट इज क्लियर, यस या नो? यस मैम। वेरी गुड। इसके बाद फीमेल की बात करूं, फीमेल रिप्रोडक्शन के दौरान जनन के दौरान कौन सा एग, एग। और इन्हीं दोनों का जब फ्यूजन होता है तब क्या बनता है, जायगोट। जायगोट डेवलप होगा तो एक न्यू बॉर्न, एक नया बेबी। तो यही तो बोल रही हूँ मैं आप लोगों के पास है कि मेल एंड फीमेल होते हैं वो 13 से लेकर 18 इयर्स के बीच सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं। दैट मींस इनमें सेक्स ऑर्गन विकसित हो जाते हैं। और अगर मैं बात करूं मेल, तो मेल की जो इयर्स होती है 14 से 15 इयर्स, जबकि गर्ल्स तो 11 की इयर्स में ही क्या हो जाती है, सेक्सुअली मैच्योर। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में कि एक बार दोबारा से फिर बोल रही हूँ कि प्यूबर्टी फेज का मींस होता है यौवन अवस्था, और यौवन अवस्था कौन सी इयर्स में आती है, 13 से लेकर 18 इयर्स के बीच। और इस पीरियड इसमें मतलब होता है कि इट इज ए पीरियड व्हेन द सेक्स हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड, कि इस फेज के दौरान हमारी जो बॉडी है उसमें डिफरेंट परिवर्तन होते हैं, हाइट चेंज होती है, वॉल्यूम चेंज होती है, हाइट इंक्रीज होती है, वॉल्यूम चेंज होती है। इसके अलावा हम मेंटली और फिजिकली मैच्योर हो जाते हैं, सेक्स ऑर्गन विकसित हो जाते हैं। दैट मीन्स हम कम्प्लीटली हमारी बॉडी के अंदर जो भी पार्ट होते हैं वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो ये था, और मेल के अंदर स्पर्म होता है और ये 14 से 15 इयर्स के बीच, और फीमेल की बात करें फीमेल में एग होते हैं वो होते 11 इयर्स की एज में। दैट मीन्स 11 इयर्स की एज में ही जो फीमेल होती है, जो मादा होती है, वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है। ये तो थी हमारी प्यूबर्टी फेज, यौवन अवस्था। अब बात है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एडोलेसेंस या एडोलेसेंट, कि किशोर अवस्था क्या है, इस अवस्था के दौरान हमारी बॉडी में क्या क्या डिफरेंट होते हैं। तो फर्स्ट लाइन है द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेज लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। दैट मींस जो एडोलेसेंस या एडोलेसेंस जो फेज है, इस फेज के दौरान हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, उसमें विभिन्न प्रकार के चेंज हमें देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स, और इसके अलावा हम पूरी तरह से रिप्रोडक्टिव मैच्योर, अगर हमारे अंदर सेक्स ऑर्गन विकसित हो गए तो हम पूरी तरह से रिप्रोडक्टिव मैच्योर भी हो जाएंगे। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन करने के लिए भी मैच्योर हो जाएंगे। तो ये थी हमारी, जिसको हम एडोलेसेंस या किशोर अवस्था भी कहते हैं। तभी तो बोलते हैं कि इस उम्र के अंदर ही बच्चे नादानी करते हैं, तो यही तो है। इसके बाद सेकंड लाइन है एज मेंटेनोइड अबाउट इट बिगेंस अराउंड द एज ऑफ 11 इयर्स एंड द लास्ट अप टू 18 एंड 19 इयर्स ऑफ द एज। आपको कोई पूछे कि एडोलेसेंस या प्यूबर्टी फेज कौन सी इयर्स के बीच आती है, तो हम बोल सकते हैं कि ये 11 से स्टार्ट हो जाती है और 18 और 90 इयर्स के बीच रहती है। इसके बाद थर्ड लाइन की बात करती हूँ, द टेस्टिस, ठीक है, और इसी फेज के दौरान स्टूडेंट जो ह्यूमन बॉडी है, मेल या फीमेल, उनकी बॉडी में डिफरेंट परिवर्तन होते हैं। द टेस्टिस स्टार्ट टू मेक स्पर्म, मैंने अभी बोला
कि ये किसमें पाया जाता है, टेस्टिस मेल के अंदर, और इसके द्वारा ही क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। एंड द ओवरीज एंड वाइनी किसमें पाई जाती हैं, फीमेल बॉडी में, और इसके द्वारा क्या बनते हैं, एग। तो ये पार्ट तो किसका है, मेल बॉडी का, और ये वाला जो पार्ट है वो फीमेल बॉडी का। इस पार्ट में क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, और इस पार्ट में क्या बनते हैं, एग बनते हैं, ठीक है। इसके बाद है द एज ऑफ विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शनली एक्टिव विच कॉल्ड प्यूबर्टी, कि इस फेज के दौरान जो भी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेक्स ऑर्गन हैं वो पूरी तरह से फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, और मतलब एक्टिव रहते हैं। आपको पता है हम जिस उम्र में एक्टिव रहते हैं वो हमारी इस ये वाली फेज है, ठीक है, क्योंकि बचपन में हम कुछ नहीं कर पाते, बुढ़ापे में कुछ नहीं कर पाते, लेकिन इस एज में हम कोई सा भी वर्क दे दो हमें, हम आराम से उस वर्क को कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी बॉडी क्या है, बिल्कुल एक्टिव है, किसी भी काम को करने के लिए हमारी बॉडी क्या है, एक्टिव है। तो द एज ऑफ विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इस बॉडी के इस फेज के दौरान हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, बिकम फंक्शनली एक्टिव, पूरी तरह से फंक्शन करते हैं, डेट मीन्स एक्टिव रहते हैं। इसके कारण इसको हम प्यूबर्टी फेज बोलते हैं, यौवन अवस्था बोलते हैं, या अपनी नादानी बोलते हैं, ठीक है, कि इस फेज के दौरान हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं और पूरी तरह से फंक्शन करते हैं। इसके बाद में बात करती हूँ, इसके बाद है कि जो मेल और जो फीमेल में पाए जाने वाले जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल एंड फीमेल में पाए जाने वाले, यानी मेल एंड फीमेल पूरी तरह से कंप्लीटली रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या रहती है, रेडी रहती है। That means 11 से लेकर 18 या 19 years के बीच की बात करें तो इस फेज के दौरान भी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन करने के लिए कंप्लीटली तैयार रहती है। ये फेज हमारी एक मेच्योर फेज है, ठीक है। इसके बाद में बात करती हूँ, इस फेज के दौरान भी हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट परिवर्तन होते हैं। तो ये था प्यूबर्टी और ये है यौवन अवस्था। एक बार फिर समझ लो और ध्यान से देख लो, बोर्ड पे कुछ ही नहीं लिखा, अगर नहीं दिख रहा आप लोगों को तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बोल रही हूँ उसको दोबारा से सुन लो। आवाज तो आ रही है ना अच्छे से, आवाज तो आ रही है ना? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले प्यूबर्टी फेज की। प्यूबर्टी फेज का मींस होता है यौवन अवस्था, ठीक है, और ये जो यौवन अवस्था होती है वो होती है 13 से लेकर 18 इयर्स के बीच, ठीक है। इस फेज के दौरान हमारी जो बॉडी है, दैट मींस मेल एंड फीमेल, यानी गर्ल एंड बॉय की जो बॉडी होती है उसमें सेक्स हार्मोन क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं, और हमें ये भी पता है कि मेल में कौन से सेक्स हार्मोन पाए जाते हैं और फीमेल पाए जाते हैं, ठीक है, और कौन सी एज में, जो मेल होता है उसमें 14 से लेकर 15 इयर्स के बीच, और जो फीमेल होता है, जो फीमेल होती है उसमें 11 इयर्स के बीच सेक्स ऑर्गन्स या सेक्स हार्मोन विकसित हो जाते हैं। और सेक्स हार्मोन का मीन्स क्या होता है कि आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद में बात करती हूँ एडोलेसेंस, और एडोलेसेंस का मीन्स मैंने बताया है कि इस फेज के दौरान हमारी जो लाइफ है, हमारा जो पीरियड चल रहा है 11 से लेकर 19 इयर्स के बीच की जो जीवन चक्र है,
उसमें हमें डिफरेंट चेंज देखने को मिलते हैं और हम पूरी तरह से रिप्रोडक्टिव मेच्योर भी हो जाते हैं, जिसको हम एडोलेसेंस फेज बोलते हैं, यानी किशोर अवस्था कहते हैं। इसके बाद मैंने बोला एग मेंटेनॉइड अबाउट द बिगेंस अराउंड द बेबी ऑफ 11 से, ये कौन सी फेज होती है, 11 से लेकर 19 वाली फेज होती है। इसके बाद देखो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं और मेल के अंदर जहां स्पर्म का निर्माण होता है वो भाग कौन सा होता है, टेस्टिस। जबकि फीमेल की बात करूं, फीमेल में जहां एग की फॉर्मेशन होती है, एग का निर्माण होता है, वो भाग होता है हमारा ओवरी, जिसको हम अंड वाहिनी भी कहते हैं। ठीक है, तो मेल और फीमेल में अलग अलग पार्ट होते हैं और अलग अलग ही क्या पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है द एज ऑफ विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम फंक्शनली, दैट मींस इस फेज के दौरान हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जो सेक्स ऑर्गन्स है, वो पूरी तरह से फंक्शन करते हैं, दैट मींस पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं। और मैं बात करती हूँ इसी फेज के दौरान, इसी एडोलेसेंस फेज के दौरान हमारी बॉडी में डिफरेंट परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। और अब हम देखेंगे कि एडोलेसेंस फेज के दौरान हमारी बॉडी में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है सभी स्टूडेंट्स को, यस या नो, समझ में आ गया है यहाँ तक? मोनिका, राहुल, समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay. इसके बाद हम बात करते हैं चेंजेज इन बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज होते हैं एडोलेसेंस फेज के दौरान, वो चीज देखेंगे सबसे पहले हम। Changes in puberty phase कि adolescence या puberty phase के दौरान क्या क्या changes होते हैं, कौन बताएगा? First change क्या होता है? Give me answer any student please. सबसे पहले हम बात करें तो इस फेज के दौरान हमारी जो हाइट है वो क्या होती है, इंक्रीज। तो इंक्रीज द हाइट, इस फेज के दौरान हाइट पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, डेट मीन्स इसी फेज के दौरान हमारी हाइट सबसे ज्यादा बढ़ती है। इसके बाद मैं बात करूं चेंज इन बॉडी सेफ, हमारी बॉडी में भी चेंज होता है, दैट मींस हमारी बॉडी की जो सेफ है, जो आकृति है, उसमें भी क्या होता है, चेंज होता है। तो सेकंड है चेंज इन बॉडी सेफ, हमारी जो बॉडी की आकृति है, हमारे जो शरीर की आकृति है, उसमें भी क्या होता है, चेंज होता है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट की बात करूं, चेंज वॉइस, आवाज में चेंज होना, तो चेंज इन वॉइस कि हमारी जो आवाज है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इंक्रीज द हाइट, हाइट का इंक्रीज होना,
सेकंड बात करें चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी की आकृति का चेंज होना। थर्ड बात करें चेंज इन वॉइस, चेंज इन वॉइस चेंज होना। इसके बाद फोर्थ पॉइंट बात करती हूँ इंक्रीज। क्या हुआ? इंक्रीज द स्वीट ग्लैंड्स। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स पाई जाती हैं वो भी क्या हो जाती हैं? इंक्रीज हो जाती हैं। तो इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट ग्लैंड्स। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी स्वीट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज होते हैं। तभी तो हम इस पेज में सबसे अच्छे से सही तरीके से वर्क कर पाते हैं। तो ये क्या है? इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट ग्लैंड्स। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। इस फेज के दौरान हमारी बॉडी के अंदर क्या डेवलप होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स। है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। कि इस फेज के दौरान, प्यूबर्टी फेज के दौरान हमारी बॉडी के अंदर सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करती हूँ हम पूरी तरह से क्या हो जाते हैं इस फेज के दौरान मेल एंड फीमेल में गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्मेड। इस फेज के दौरान मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होते हैं, युग्मक होते हैं, वो भी बन जाते हैं। और आपको पता है वो कौन से हैं? स्पर्म एंड एग। वो भी क्या हो जाते हैं? इस फेज के दौरान बन जाते हैं। इसके बाद है इस फेज में हम मेंटली एंड फिजिकली क्या हो जाते हैं? मैच्योर। तो सेवन पॉइंट है मेंटली एंड इमोशनली मैच्योर। ठीक है, इस फेज के दौरान हम मेंटली एंड इमोशनली क्या हो जाते हैं? मैच्योर। हाँ मोनिका बोलो, मैच्योर हो जाते हैं। तो देखो इस फेज के दौरान ये सेवन पॉइंट, यानी ये सेवन डिफरेंट हमें हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज द हाइट, इसके बाद सेकंड है चेंज इन बॉडी शेप, थर्ड है चेंज इन बॉडी, चेंज इन वॉइस वॉइस, फोर है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट ग्लैंड्स, स्वीट ग्लैंड्स, इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, इसके बाद बात करूं मेल एंड फीमेल गैमेट्स, बाद में है मेंटली एंड इमोशनली मैच्योर। तो ये कौन से फेज के दौरान? प्यूबर्टी, एडोलेसेंस फेज के दौरान ये डिफरेंट हमारी बॉडी में मेल एंड फीमेल दोनों की बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं। किसी स्टूडेंट को इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है क्या? हम तो ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो बुक्स है वो स्कूल में आ गई है, आप चाहो तो कभी भी आके अपनी बुक्स परचेज कर सकते हो। और कंपल्सरी है क्योंकि आप बिना बुक कैसे पढ़ोगे? साइंस में इंग्लिश हो, हिंदी हो, उनमें जो ग्रामर का पार्ट था वो हो चुका, अब बाग कौन सा पार्ट बचा है? रीडर वाला। ठीक है, उसको आप बिना बुक नहीं पढ़ पाओगे। तो प्रिंसिपल सर ने बोला है कि आप लोगों के लिए बुक परचेज करना कंपलसरी है, तो आज या मंडे तक जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग कोर्स परचेज कर लो। ओके स्टूडेंट्स, मैम फिफ्थ क्लास की बुक आ गई क्या? स्कूल आ गई, किसी भी क्लास फर्स्ट क्लास से लेकर
नाइन्थ क्लास तक बुक आ चुकी है आप, एट तक सॉरी एट क्लास तक आ चुकी है, आप कभी भी आके परचेज कर लो, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना कोर्स खरीद लो आप लोग। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।